हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सेंगर फैमिली ब्लॉग में। और अभी देखिए शाम के बज रहे हैं 6:30 और हमने तैयार ये वाली साड़ी पहनी आज हमने। कैसी लग रही है बताइएगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके। और हम लोग जा रहे हैं, आप लोगों ने बताया था ना अभी वीडियो में पिछले वाले में कि हमारे यहाँ पर कथा भागवत कथा हो रही है, तो सॉरी आगे पीछे निकल गया, तो वहीं जा रहे हैं हम, अनिका और आया, तीनों लोग जा रहे हैं। अनिका के पापा तो जाएंगे नहीं, उन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं है। हम महिलाएं हैं जिन्हें भगवान से ज़्यादा प्रेम होता है, इतने पास में हो रही लेकिन इनको नहीं जाना है। और अपने काम से तो कभी फुर्सत नहीं मिलेगा, हम महिलाओं के इतने सारे काम ही होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के लिए थोड़ा बहुत समय निकालना चाहिए। तो अभी हम लोग हो गए रेडी, और ये कथा शायद 7 दिन की है, आज 3रा दिन है, 4 ही दिन और बचे हैं। कल भी गए थे हम, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखा पाए, कुछ बताया भी नहीं हमने। तो आज हम फिर से जा रहे हैं और कोशिश करते हैं जितना भी हो पाएगा आप सबको भी दिखाएंगे, और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और तो चलिए चलते हैं, फिर देर नहीं करते हैं क्योंकि 1 घंटा हो गया कथा शुरू हुए, और हम तैयार होना था, बच्चों को तैयार करना था, थोड़ा सा लेट हो गया मुझे, और अब मैं बस निकलने वाली हूँ। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ में, और उससे पहले फटाफट से अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वॉइस ओवर करेंगे हम, क्योंकि अभी आप लोग सुन रहे होंगे आवाज़ आ रही है माइक की। तो फिर चलो चलते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर ये देखिए तैयार हो गई हूँ मैं, और फाइनल लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये वही वाली साड़ी है जो मैं लाई थी कानपुर से, और इसमें से एक मैंने करवा चौथ को पहनी थी, और ये दूसरी वाली है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसी लग रही है मेरी ये साड़ी। तो यहाँ पर हम लोग बस निकलने ही वाले हैं, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें याद करके ले जाना होता है, जैसे बच्चे हैं ना, हैंकी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना बहुत परेशान करते हैं वहाँ पे। ये जेब खर्चा मिला है वहाँ पे आया तो इनको परेशान करते हैं ना, तो इनको कुछ खिलाएंगे, इसीलिए दिखा रहे हैं कितनी वैल्यू है हमारी। 20 रुपया, आप में से बताइएगा किसको 20 रुपया खर्चा मिलता है। हमें आज 20 रुपया दिया गया है, अनिका के पापा ने दिया है, बोले हो जाएगा इतने में। अब हम 2 बच्चे हैं, तीसरी मैं, और हमें मिला है 20 रुपया। आज के ज़माने में 20 रुपये में बताइए क्या होता है, 10-10 मिलता तब भी 30 हो जाता है, लेकिन 20 रुपया मिला है हमको खर्चा, 4 घंटे चलाने इनको हमें। चलते हैं देखते हैं 20 रुपये में क्या क्या खरीदेंगे, क्या क्या सौ। और यहाँ पर देखा ना आप लोगों ने, अनिका के पापा ने मुझे कितना ज़्यादा खर्चा दिया हुआ है, तो वो सिर्फ मस्ती कर रहे थे ऐसे ही, उनके पास चेंज पैसे थे नहीं, और चढ़ाने के लिए मंदिर में वहाँ अलग से दिए थे मुझे पैसे, और उसके बाद उनके पास 20 ही रुपये बचे थे, और 500 का नोट था, बोले तुड़ा लेना। हमने कहा नहीं, इतना हमको क्या करना है, वहाँ पे नीचे ही तो जाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 20 ही दे दो, क्योंकि बच्चे हैं, कभी अगर इनका कुछ मन करेगा तो दिला देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए, ये मॉर्निंग की क्लिप है, फिर अनिका के पापा शूट करके लाए थे, क्योंकि रात में मैंने कोई वीडियो वहाँ पे शूट नहीं किया था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, महिलाएं भी थीं, जेंट्स भी थे, कुछ लोगों को वीडियो में आना पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, और वहाँ पब्लिक में ज़्यादा कैमरा नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है उनको, इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था। मैंने बोला आप लोगों को दिखाना ही है तो किसी और दिन दिखा देंगे, तो इस वजह से फिर अनिका के पापा को मैंने भेजा था कि आप थोड़ा सा शूट करके ले आइए क्लिप, और मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। तो बस ये देखिए, पानी इतना ज़्यादा गंगा जी का बढ़ चुका है ना, जिस मकान में हम रहते हैं उसके नींव तक पानी जा चुका है, सिर्फ 2 ही सीढ़ियाँ बची हैं, नहीं तो पूरा पानी ऊपर तक आ चुका है, ये देखिए। और यहाँ पे बच्चे हैं ना, इतनी सारी मछलियाँ आई हैं इस पानी में, तो बच्चे इनको चुगाते हैं लाई वगैरह ला करके, और बहुत ज़्यादा मछलियाँ आ गई हैं। और यहाँ पर ये देखिए पीछे जो पांडाल लगा है ना, यहीं पर कथा हो रही है। और अभी ये देखिए इधर से, और ये मंच है, अभी दोपहर का है ना ये क्लिप, तो इस वजह से यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कथा जो है ना शाम को 5 बजे शुरू होती है, इस वजह से। और ये देखिए पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद रूम खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी हो गया है, अब डर सा लगने लगा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर काफ़ी दिनों से रह रहे हैं ना, वो लोग बताते हैं आप घबराइए मत, इतना ज़्यादा पानी नहीं आएगा मकान तक आपके, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, देखते हैं जैसा होगा फिर, अभी तो हैं फ़िलहाल, अगर पानी कम हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी चेंज करने की, अगर पानी लगातार बढ़ता रहेगा तो फिर हम चेंज करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी रात के बजने जा रहे हैं 9, और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, और भागवत सुन के आ चुके थे, आज भागवत जल्दी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि कोई शायद पड़ोस में ख़त्म हो गया है उन्हीं की वजह से, और आज इसी वजह से माइक भी नहीं बज रहा है, और नहीं तो वैसे 9 बजे ख़त्म होती है, लेकिन आज जल्दी ख़त्म हो गई थी।
हाँ समाप्त, अनिका के पापा बता रहे खत्म नहीं समाप्त बोलो, सच में सही बात है, भाषा का अपनी जो लैंग्वेज है उसको सुधारना चाहिए ना, अच्छे से बोलना चाहिए, कोई बात नहीं बिल्कुल मेरे मुँह से निकल आया, सॉरी उसके लिए, कान पकड़ के सॉरी। और समाप्त मतलब 9 बजे होती है लेकिन आज इसी वजह से जल्दी समाप्त हो गई है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स हमारी थाली लग चुकी है और आज अनिका के पसंद का खाना बना हुआ है, क्यों अनिका ना बोलो बोलो बना है ना आपकी पसंद का, क्या बना है बोलो बोलो, क्या बना है, क्या बनाया खाना, छोला पूरी, छोला पूरी आपकी पसंद का बना है ना, तो बोलो वीडियो लाइक कर देना, वीडियो लाइक कर देना। हाँ तो आज अनिका की भाई फरमाइश है आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और आज मैं बोल भी नहीं पा रही, पता नहीं क्या हुआ है मुझे। और ये देखें ये थाली हमारी लग चुकी है, छोला और पूड़ी, और अनिका कल भी बोली थी मम्मी छोला पूड़ी बनाओ, तो कल तो नहीं बनाई थी क्योंकि छोला तुरंत बन नहीं पाता है, उसको भिगो मतलब फूलने के लिए करीबन 5 घंटा 4 घंटा चाहिए होता है, आज मैंने सुबह ही भिगो दिया था, कल रात में भी मुझे याद नहीं रहा, सुबह इसने फिर से बोला मम्मी छोला पूरी बनाओ, तो फिर मैंने तुरंत भिगो दिया छोला, मैंने कहा शाम को बना देंगे, तो अभी छोला पूरी बनाई है हमने। और आज छोला थोड़ा सा मेरे पास कम था, पहले मैंने देखा नहीं, और बाद में जब अनिका ने बोला जब हम किचन में गए तो बहुत थोड़ा सा ही था, तो मैंने आज नए तरीके से बनाया है, उसमें 2 आलू डाल के, वैसे मैं इस तरीके से कभी नहीं बनाती और मुझे पसंद भी नहीं आलू डाल के छोला, लेकिन क्या करें जुगाड़ है लगा लिया, और बस पेट ही भरना है, एक टाइम का खाना खाना है, तो मैंने बना लिया कुछ इस तरह से देखिए। और इसमें आलू भी पड़ी हुई है, 2 आलू डाल दिए हमने और थोड़ा सा छोला था, तो हो जाएगा एक टाइम का हम सबका। तो आज अनिका है बहुत खुश और इसको जल्दी हो रही है कि जल्दी से खाना दो, क्योंकि आज ये खाएगी छोला बाबू। और आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, तो चलिए खाना खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए और खाना खा के फिर मिलते हैं आप लोगों से।